दोस्तों आपसे निवेदन है, हर एक व्यक्ति के शरीर की तासीर अलग अलग होती है। हर एक आयुर्वेदिक औषधि सभी के लिए नहीं होती। अगर आप इन आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप अपने डॉक्टर या फिर जानकार आयुर्वेदाचार्य से मिलकर ही करें, अन्यथा आपको इसका नुकसान हो सकता है। और एक बात, आयुर्वेदिक औषधियों के शुद्धिकरण के बाद ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओम सूर्य देवताय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे आपको आयुर्वेदिक पौधों की पहचान करवाता हूँ, साथ में उनके आयुर्वेदिक गुण के बारे में भी आपको बतलाता हूँ। तो दोस्तों उसी कड़ी में आज आपके सामने लेकर के आया हूँ एक और चमत्कारिक आयुर्वेदिक औषधि, जिसको सभी जानते हैं और यह आसानी से भी आपको मिल जाती है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों इसको पलाश खाकर जैसे आदि नामों से जाना जाता है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। यह हमारे शरीर से गंभीर बीमारी को ठीक करने में सक्षम औषधि मानी जाती है। आज हम आपको इसके फायदे के बारे में बतलाएंगे, जिससे आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सके। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑन कर दीजिए। साइड में जो घंटे का बटन दिख रहा है इसको भी दबा करके आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे और आप इन वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यह है पलाश का आयुर्वेदिक पौधा। वैसे दोस्तों इसका जो पौधा होता है वह पूरे भारत में आसानी से देखने को मिल जाता है और यह बहुत मात्रा में होता है। इसका जो पेड़ होता है वह 40 से 50 फीट तक लंबा होता है। इसकी तीन प्रजाति पाई जाती है, एक जो लाल रंग की होती है और दूसरी पीले रंग की और तीसरी सफेद रंग की। जो सफेद और पीले रंग वाली होती है वह बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। लाल रंग की आपको आसानी से देखने को हर जगह मिल जाती है, तो इसकी पहचान वैसे सभी जानते हैं। अब जान लेते हैं इसके पौधे में आखिर कौन कौन से ऐसे रासायनिक गुण पाए जाते हैं जिससे यह आपके शरीर के लिए अच्छी मानी जाती है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि आयुर्वेद में इसके पत्ते, फल, फूल, तना, जड़ यानी इसके संपूर्ण पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में पलाश की छाल और गोंद में काइनोटेनिन एसिड तथा गैलिक एसिड, पिच्छल द्रव तथा क्षार पाए जाते हैं। बीजों में पलाशोनिन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पलाश में एक स्थिर तेल होता है। पलाश की पत्तियों में लिनोलेइक एसिड, ग्लूकोसाइड, ओलिक एसिड और लिंगोसेरिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। पलाश की छाल में गैलिक एसिड, साइनाइडिंग, लुपेनोन, पेसेसिट्रीन, ब्यूटिल एसिड, ब्यूटोलिक एसिड और पैलेसिमाइड शामिल होते हैं। पलाश की गोंद में टैनिन, पाइरोटेक्सिन असंतुलित सामग्री होती है। पलाश के पुष्पों में फ्लोवोनाइड्स, कोरोप्सिन, ट्राइटरपेन, आइसोबुट्रिन, आइसोकोरोप्सिन और सल्फरिन भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो होगा इसके पोषक तत्व जो इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आप जान लेते हैं कि ये आपके शरीर में कौन कौन से रोगों को ठीक करने में सक्षम मानी जाती है। आंखों से जुड़ी बीमारियों के लिए पलाश बहुत ही उपयोगी होती है। आंखों का लाल होना, मोतियाबिंद, रतौंधी, कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अगर आपको इसमें से किसी भी प्रकार का रोग है तो आप पलाश की ताजी जड़ का अर्क निकाल करके सुबह और शाम को एक एक बूंद अपनी आंखों में डालने से यह आपकी आंखों की सभी प्रकार के रोगों को ठीक करता है। नक्सीर के रोगी भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको नक्सीर जैसी बीमारी तो आप पलाश के ताजे 4 से 5 पुष्पों को रात्रि भर शीतल जल में भिगा करके सुबह के समय इन पुष्पों को छान करके हल्का मिश्री मिला करके सेवन करने से यह आपको नक्सीर जैसी बीमारी से आपको निजात दिला देती है। मिर्गी के रोगियों के लिए भी इसका उपयोग बहुत ही शानदार माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा बार बार आता है, यानी एक दिन में 3 से 4 बार आता है, तो आप पलाश की जड़ों को पीस करके 4 से 5 बूंद नाक में टपका देवे तो यह मिर्गी के दौरे को शांत कर देता है और यह आपको मिर्गी के दौरे से आराम दिला देता है। यह आपकी पाचन शक्ति को भी मजबूत बना देता है। जिन लोगों की मंदाग्नि ठंडी रहती है, जिसके कारण उनको भूख नहीं लगती, तो आप इसके पलाश की ताजी जड़ों का अर्क निकाल करके 4 से 5 बूंद नगर बेल के पत्ते के साथ खा लें तो यह आपकी मंदाग्नि को तेज करता है, जिसके कारण आपकी भूख बढ़ती है और यह आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करने का कार्य करता है। यह आपको अफरा और तेज पेट दर्द में बहुत जल्द आराम दिला देता है। अगर आपको दोनों में से कोई भी बीमारी, तो आप पलाश की छाल और सुंडी का काढ़ा 30 से 40 मिलीलीटर दिन में 2-3 बार पिए। इससे आपको अफरा और उदर सूल से बहुत जल्दी निजात दिला देता है। प्रमेह में पलाश का उपयोग बहुत फायदेमंद माना जाता है। अगर आपको प्रमेह की शिकायत है तो आप पलाश की मुंदी यानी वो कोमल लेनी है जो पूरी तरीके से खिली हुई नहीं रहती, उनको आप छाया में सुखा करके कूट पीस करके छान करके उसमें थोड़ा सा पुराना गुड़ मिला करके, लगभग 4 से 5 साल पुराना गुड़ हो तो बहुत अच्छा है, इन दोनों को मिला करके सुबह के
समय 9 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करने से यह प्रमेह को नष्ट कर देता है। अगर आपको यौन संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी तो आप उसमें पलाश का प्रयोग कर सकते हैं। यौन संबंधित बीमारी के लिए आप पलाश की जड़ का रस निकाल करके उसमें 3 से 4 दिन तक के इसके रस में गेहूं को भिगो कर रखने दें। तत्पश्चात इसमें से गेहूं निकाल करके उसमें शुद्ध शहद और गुड़ मिला करके खाने से यह आपके यौवन को निखारने का कार्य करता है, साथ में आपकी शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है। खूनी बवासीर में भी पलाश का उपयोग बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। खूनी बवासीर में पलाश के पांचांग की राख 10 से 20 ग्राम तथा गुनगुने गाय के घी के साथ पीने से खूनी बवासीर में अत्यंत लाभ होता है। इसको कुछ दिन तक नियमित रूप से सेवन करने से यह आपके बवासीर वाले मस्से को सुखा देती है और आपको बवासीर से निजात दिला देती है। जिन लोगों के पेशाब में जलन होती है उनके लिए यह बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। अगर आपको यह बीमारी है तो आप ढाक यानी पलाश की सूखी हुई कोपले को, ढाक का गोंद, ढाक की छाल, ढाक के फूल, इन सभी संपूर्ण पांचांग को मिला करके चूर्ण बना लेना। इस चूर्ण को समान मात्रा में मिश्री मिला करके इसका चूर्ण प्रतिदिन दूध के साथ रात्रि के समय सेवन करने से मूत्र कक्ष को मिटा देता है और आपकी जो पेशाब है वो खुल करके आने लग जाती है और पेशाब के जलन को भी यह ठीक कर देती है। गाठिया के रोगियों के लिए भी पलाश एक अद्भुत औषधि मानी जाती है। संधिवात या फिर गाठिया रोग में पलाश के बीजों को महीन चूर्ण पीस करके शहद के साथ मिला करके दर्द वेदनाएं जहां पर आपको दर्द हो रही उस जगह पर लेप करके या फिर किसी कपड़े की सहायता से उसको पूरी तरीके से बांध दे तो यह संधिवात को भी ठीक कर देती है और गाठिया जैसे रोग को यह ठीक करने में सक्षम औषधि मानी जाती है, उससे यह आपको निजात दिला देती है। निरोगी काया पाने के लिए भी पलाश का सेवन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। निरोगी काया बनाने के लिए पलाश को छाया में सुखो करके इसके पांचांग का चूर्ण शहद एवं गाय के घी के साथ 1 चम्मच की मात्रा में सुबह के समय या फिर शाम के समय सेवन करने से शरीर यानी मनुष्य का जो शरीर होता है वो निरोगी हो जाता है और आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता। सभी प्रकार के संक्रमण से भी है आपको बचाने का कार्य करता है। दीर्घायु के लिए भी पलाश का उपयोग रामबाण से कम नहीं माना जाता। दीर्घायु की कामना करने वाले व्यक्तियों को पलाश को छाया में सूखे हुए पांचांग का चूर्ण शहद एवं गाय के घी के साथ 1 चम्मच प्रातः के समय सेवन करने से यह आपको दीर्घायु बना देता है और कम उम्र में जो लोग ज्यादा के दिखते हैं उनको भी यह कंट्रोल में रखता है और आपको आपके यौवन को निखार करके आपको फिर से तरोताजा रखने में मदद करता है। पुरुषार्थ के लिए भी पलाश का सेवन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। पुरुषार्थ बनाए रखने के लिए पलाश की कोमल कोमल नए अंकुरित पत्रों को गाय के दूध के साथ पीस करके 2 चम्मच की मात्रा में गाय के दूध के साथ नियमित सुबह शाम पीने से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। पलाश खाने के कुछ नुकसान भी हैं दोस्तों। गर्भवती स्त्रियों को पलाश के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि स्तनपान के समय पलाश के सेवन करने से स्त्री के गर्भ को नुकसान पहुंचता है। पलाश का अधिक मात्रा में सेवन करने से एनीमिया और किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है, इसलिए पलाश का सेवन कम से कम मात्रा में और सीमित अवधि में किया जाना चाहिए। दोस्तों वैसे पलाश के संपूर्ण पेड़ में ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं, यह हमारे शरीर से बहुत सारे रोगों को दूर करता है। आज हमने आपको इसके कुछ आयुर्वेदिक फायदे के बारे में बताया है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि पलाश का उपयोग आयुर्वेद में आप किस प्रकार करते हैं कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें जिससे वो लोग भी इसके फायदे ले सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें जिससे आपको हमारे सभी वीडियो आसानी से मिल सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और आयुर्वेदिक पौधे और उसके उपचार के साथ में। तब तक इजाजत दीजिए। हर हर महादेव।